हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नाम परिवर्तित स्थान, जितने भी स्थानों के नाम परिवर्तित हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो आपका पेपर से पहले देखना जरूरी क्यों है, इसकी बात भी हम करेंगे आपसे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, अन्यथा इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें यार दोस्तों, क्योंकि लाइक करने के आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते, बस थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा इनकी ट्रिक आपको साथ के साथ बताता चलूँ, कोई भी जिससे आपको परेशानी ना हो याद करने में। चलिए शुरू करते हैं। पहला नाम है आपका साबरमती घाट। साबरमती घाट आपका पहली बात तो कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, और इस घाट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अब अटल घाट कर दिया गया है, अटल घाट। दोस्तों देखिए, ये दो नाम बहुत ज़्यादा परिवर्तित में आए हैं, एक का आपका अटल है और एक आपके दीनदयाल उपाध्याय है। ठीक है जी, तो इसको आप ध्यान में रखना, साबरमती घाट का क्या नाम रख दिया गया है, अटल घाट। ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप इसको याद, अगर ट्रिक आप कोशिश करें ट्रिक बनाने की तो ऐसे कर सकते हैं। अटल जी जो है ना, अटल जी वो पहले साबरमती घाट पे जाया करते थे। अटल जी कहाँ जाया करते थे, साबरमती घाट पर। ठीक है, ऐसे याद कर लो, तो अटल घाट साबरमती घाट का नाम बदल कर कर दिया गया है। दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है आपका जाली ग्रांट हवाई अड्डा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, जाली ग्रांट हवाई अड्डा है कहाँ पर, तो जाली ग्रांट हवाई अड्डा आपका पड़ता है देहरादून में। कहाँ पड़ता है, देहरादून। देहरादून भी आपको पता होना चाहिए क्या है, एक बार SSC 10+2 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि देहरादून निम्न में से किसकी राजधानी है, तो किसकी राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों, गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। चलिए, तो जाली ग्रांट हवाई अड्डा इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अब अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी इस हवाई अड्डे का नाम बदल कर कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पड़ता कहाँ पर है, तो यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो लखनऊ हो जाएगी, और इस मुजफ्फरनगर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर इसका नाम बदल कर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाना स्टेडियम आपका एक क्रिकेट स्टेडियम है और ये आपका लखनऊ में है। क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में पड़ता है, लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है आपका इलाहाबाद में, लेकिन उसकी खंडपीठ की अगर बात करी जाए तो खंडपीठ आपकी लखनऊ में है। खंडपीठ का मतलब होता है दोस्तों, बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, आप जानते होंगे जनसंख्या इसकी बहुत बड़ी है, तो अकेला जो आपका उच्च न्यायालय इलाहाबाद का है वो इसका भार नहीं संभाल पाता, तो इसलिए इसको दो भागों में तोड़ दिया गया है, यानी दो जगह इसकी सुनवाई होती है। उच्च न्यायालय इसके दो जगह पर है, एक मेन तो है इसका इलाहाबाद में ही, लेकिन जो खंडपीठ है यानी कुछ काम इसके कहाँ पर किए जाते हैं, यानी कुछ केस सुने जाते हैं, लखनऊ में आपके, तो इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। ठीक है, तो इकाना स्टेडियम का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक आपका आता है हजरतगंज चौराहा। हजरतगंज चौराहा है ये आपका कहाँ पड़ता है, ये भी लखनऊ में ही पड़ता है हजरतगंज चौराहा, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, अब अटल चौक। इसका नाम भी क्या कर दिया गया है, अटल चौक। चलिए, इस नाम से तो आप भली भांति परिचित होंगे, इलाहाबाद। इलाहाबाद आपका प्रयाग के नाम से जाना जाता था, और इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी देखने को मिलता है। और उत्तर प्रदेश का क्या सबसे जो पुराना वो है विश्वविद्यालय, वो भी आपका इलाहाबाद में ही खुला था। ठीक है, तो इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है,
प्रयागराज। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फैजाबाद, फैजाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है अब अयोध्या। फैजाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये। एक्सप्रेस कोई गाड़ी नहीं है, आप इसको गाड़ी में समझना। एक्सप्रेसवे यानी कि एक सड़क है, एक सड़क है एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में ही आपकी ये पड़ती है, ठीक है। और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल पथ। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल पथ। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं, उनका जो शव था वो मुगल सराय रेलवे स्टेशन, यानी जब इनकी मृत्यु हो गई थी तो कई इनका जो शव वो थी, बॉडी, डेड बॉडी थी, वो आपकी मुगल सराय रेलवे स्टेशन के पास मिली थी, इसलिए उसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया अब? दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। एक आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर, और गोरखपुर एयरपोर्ट जो है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अब? महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है। गोरखपुर आपका ये ऐसा जिला है, ऐसा वो है क्षेत्र जिसकी सीमा किससे लगती है आपकी? नेपाल से। गोरखपुर की सीमा किससे लगती है? नेपाल से। ठीक है, शायद यूपी पुलिस के जो पेपर हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे ख्याल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ये आपका पड़ता है कहाँ पर? कांडला बंदरगाह आपका गुजरात है, ये गुजरात का बंदरगाह है, और इसका भी नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, एक आपका ये शहर है आपका गुड़गांव। गुड़गांव जो है वो आपका इधर दिल्ली पार करने के बाद हरियाणा साइड में पड़ता है आपका गुड़गांव, और गुड़गांव जो है उसका नाम बदल कर दिया गया है गुरुग्राम। गुड़गांव का नया नाम क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम। ठीक है, एक आपका पड़ता है नया रायपुर। देखिए रायपुर जो है, खाली रायपुर, रायपुर दो है, एक आपका रायपुर, एक आपका नया रायपुर। ठीक है, जैसे दिल्ली दो है, एक दिल्ली एक नई दिल्ली, उसी तरीके से रायपुर भी दो है। जो रायपुर है वो, जो रायपुर जो है, ये रायपुर आपकी राजधानी पड़ती है किसकी? ये आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, नया रायपुर नहीं है, खाली रायपुर आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और रायपुर में ही एक स्थान है नया रायपुर। उस नया रायपुर का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है? अटल नगर। नया रायपुर का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। इसमें ये आपके जो क्वेश्चन है, इसके बाद से तीन क्वेश्चन लास्ट के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेवात हरियाणा, यानी मेवात आपका हरियाणा में पड़ता है, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है अब? नुह कर दिया गया है, नुह। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आपके तीन क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको ये तीन द्वीपों के नाम पता होना चाहिए आपकी, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदल कर दिया गया है अब नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक है, एक आपका नील द्वीप है, नील द्वीप का नाम बदल कर दिया गया है अब शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल कर दिया गया है अब दोस्तों स्वराज द्वीप। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल क्या कर दिया गया है? स्वराज द्वीप। दोस्तों ये तीन क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप इन तीनों क्वेश्चनों को जरूर याद रखें। और दोस्तों जिस दिन इनको किया गया, यहीं पर ये अंडमान निकोबार में पड़ते हैं। तीनों द्वीप कहाँ पर पड़ते हैं? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी की अगर मैं बात करूँ तो पोर्ट विलियर है। ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पर जो 75 का सिक्का, 75 रुपये का सिक्का भी लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों।